पुलिस के दबंगई से तंग युवक ने एसपी कार्यालय में पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का किया प्रयास। शाहजहांपुर से गोविंद अवस्थी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कोतवाली पुलिस की दबंगई से तंग आकर युवक ने एसपी कार्यालय परिसर में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। एसपी कार्यालय में घटित इस घटना को देख मौजूद पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण और सीओ सिटी तत्काल मौके पर पहुंच गए। मामला शहर कोतवाली का है, जहां राहुल नामक व्यक्ति ने पुलिस पर आरोप लगाया कि आपसी झगड़े पर जहां पुलिस को धारा 151 में चालान काटने की कार्यवाही करनी थी, वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार पर ही धारा 307 की एक तरफा कार्यवाही कर दी, जिससे आहत युवक राहुल आज एसपी कार्यालय अपने परिवार के साथ पहुंचा और उसने एसपी से बात करनी चाही, मगर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे एसपी से मिलने नहीं दिया, जिससे तंग आकर उसने परिसर में ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। लेकिन इससे पहले ही मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस कार्यालय परिसर में घट रही इस संगीन घटना को लेकर जहां एक और मौजूद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया, तो वहीं सूचना पर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। युवक की बहन अर्चना ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पिता के मरने के बाद क्षेत्र की पुलिस आए दिन किसी न किसी बहाने उनके घर के सामने आकर बदतमीजी करती है और उनके भाइयों को थाने लाती है। अब किसी न किसी आरोप के बहाने उन्हें तंग करती है। जब उनसे छोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह मोटी रकम की मांग करते हैं। तो वहीं पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि राहुल अंगुरिया पर कई आपराधिक केस दर्ज है, साथ ही पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस युवक ने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है। इस युवक के द्वारा किए गए कृत्य की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्या कारण रहा आपको ये कदम उठाना पड़ा? मेरे भाई का नाम प्रमोद कुमार अंगुरिया है। कल चाचा और भतीजे, मेरे भाई चाचा और मेरे एक भतीजा, इन लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, तो इन लोगों को पुलिस उठा के ले गई कोतवाल साहब को, चौकी लेके गई, चौकी से कोतवाली भेज दिया। हम कोतवाली अपने भाई से मिलने गए, बोला चल बाहर निकल। हम लोग भैया बाहर आ गए, जब मेरे घर वाले बात फिर गए, मेरी बहन ने उनसे बोला अबे तू बाहर निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मैंने बोला इधर सुन, तू तमीज से थोड़ा बोल, इधर ज़्यादा बोलेगा यही तेरे गोली मार दूंगा। तो मैंने अपनी वीडियो फेसबुक पे अपलोड की, ऑल सोशल नेटवर्क पे अपलोड की, मुझे मेरे मरने पे मेरी मौत का जिम्मेदार कोतवाल साहब है। उसके बाद मेरे भाई को रात के 12 बजे ये लोग मेडिकल लेके आए, मैंने यहाँ लाइव वीडियो शूट की, मेरे पास उसकी बात का रिकॉर्ड है फेसबुक पे। उसके बाद इन लोगों ने 307 में चालान कर दिया उसका, इस चक्कर में आग लगाने गया था। मैंने आग लगाने के लिए मैंने पेट्रोल डाला, मेरी आंखों में पेट्रोल पहुंच गया। आपसी लड़ाई में 307 में चालान कर दिया। कोतवाल तो आप बंदेगी, मैं फिर करूंगा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। देखो डीएम साहब को बुलाया जाए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, वरना मैं दोबारा हरकत करूँगा। मैं डायरेक्ट जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, यहाँ से जाऊंगा। मेरी आंखों की रोशनी आई नहीं, मैं मरना चाहता हूँ और कुछ नहीं, मुझे मरना है। आए दिन पुलिस हम लोगों को परेशान करती है, जब से मेरे पिताजी एक्सपायर हो तब से आए दिन पुलिस वाले हम लोगों को परेशान करते। कल भी मेरे बड़े भाई को लेके उसको बहुत मारा पीटा। मामला ये था कि मतलब इन लोगों की आपसी में एक सुबह गए, उससे आपस में कोई बातचीत हुई होगी, तो पुलिस ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। और लेकिन उनका शांति भंग में चालान करना चाहिए, उनका 307 में चालान कर दिया, फर्जी केस में भेज रहे हैं। बताइए कहाँ तक का न्याय? इसी चक्कर में मेरा भाई एसपी ऑफिस के सामने पहुंचा, उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का आग लगाने के लिए। क्या इसके लिए कौन, किसको जिम्मेदार मान लिया? इसके लिए कोतवाली पुलिस जिम्मेदार, कोतवाली की पूरी पुलिस जिम्मेदार है। ऐसे लेके जड़ क्या बोल रही है वो? सर कल उन्होंने जब हम लोग अपने भाई से मिलने गए वहाँ पे, तो कोतवाल साहब ने सामने कहा, उसका लाइव वीडियो भी बनाया हम लोगों ने, उन्होंने कहा है कि तेरा इनकाउंटर कर दूंगा, तेरे भाई को तो जेल भेज दूंगा, तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। इससे कहा जिसने अपने ऊपर तेल डाला, इससे इनकाउंटर करना कहा, मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। सर अगर कुछ भी हो मेरी फैमिली को कुछ भी, और थाना कोतवाली की पूरी पुलिस जिम्मेदार है। ये दरअसल कल रात्रि में एक इसी का भाई है जो जिसने ऐसा यहाँ पे प्रयास किया, या इसको कहेंगे प्रयास करने का एक वो किया। इसका नाम राहुल अंगुरिया है, इसका भाई था प्रमोद, जो कल एक किसी के घर में घुस के उसने मारपीट की और वहाँ फायरिंग भी की, जिसमें त्वरित कार्रवाई की गई कोतवाली पुलिस द्वारा और वहाँ उसको गिरफ्तार किया गया और असलाह भी बरामद हुआ है। और इसी का विरोध स्वरूप की इस पर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की नीयत से आज इसके द्वारा ऐसा एक यहाँ पे वो किया गया है। और ये जो राहुल है इसके विरुद्ध भी आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं और ये जेल गया है कई आपराधिक मामलों में। तो ये केवल एक प्रशासन पे और पुलिस पे एक दबाव बनाने की नीयत से उसने ऐसा क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसका भी इससे पहले शिकायतें उसकी मिल चुकी हैं, उस तरह का दबाव बना रहा था, क्या उसके ऊपर? बिल्कुल, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो हमारी चलती रहती है और आज का जो कृत्य है इस पर भी इसका संज्ञान लेते हुए जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी।